हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो कल मेरी तबीयत खराब थी और चावल बहुत बच गए मेरे, नमकीन चावल। मैंने खाना खाया ही नहीं कल, तो ये नमकीन चावल है। इनकी मैं एक नई रेसिपी बना रही हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए इसकी क्या रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो ये बचे हुए चावल ले लिए मैंने, नमकीन चावल है। इसमें आलू, हरी मिर्च, अदरक वगैरह सब डाला हुआ है। और लिया है मैंने बेसन, एक बाउल के करीब बेसन है, आधा बाउल सूजी है और एक बाउल दही है और इनो है। अब इन चावलों को मैं एक बार मिक्सी में मैश कर लूँगी और दही डाल के करूँगी, और उसके बाद मैं बेसन और सूजी भी डाल दूँगी। तो अभी मैंने दही डाल लिया है इसमें, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम पीस लेंगे, बिल्कुल नहीं तो ये पिसेंगे नहीं पानी के बिना। तो बाकी इसमें नमक मिर्ची सारे मसाले तो हैं ही, लेकिन थोड़ा सा हम नमक फिर डाल देंगे। तो ये पिस गए हैं बिल्कुल। अब इसमें हम बेसन और सूजी डालेंगे, तो थोड़ा सा हमें नमक भी डालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और ये काफ़ी अच्छे बने थे, नमक बिल्कुल बराबर डाला था इसमें। तो मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल के मैं और इनको ग्राइंड कर लूँगी, जिससे बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे और इसमें लम्स नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। तो पिसने के बाद मैं इसमें फिर इनो डालूँगी, क्योंकि जब हम इसको बनाते हैं तब ही इनो डालेंगे। तो पहले मैं जो हमारा इडली बनाने का सांचा होता है उसको चढ़ा दूंगी, और मतलब जैसे हम ढोकले बनाते हैं उसी तरह से इसको बनाएंगे। तो ढोकले वाले सांचे में तेल लगा देंगे और उसके बाद हम इसको चढ़ा देंगे पानी। मैंने चढ़ा दिया है भाप के लिए, और अब बनाते टाइम मैं इसमें इनो डाल दूंगी। तो इनो डालने से काफ़ी नरम बनेंगे, तो जब इनको बनाएं तब ही इनो डालें या मीठा सोडा डालें। तो बस मैंने इसमें मिक्स कर दिया है ये, और मैं इन सांचों में डाल के इनको 15-20 मिनट के लिए चढ़ा दूंगी। और जब पूरी भाप लग जाएगी तो चाकू लगा के देख लूँगी कि होए या नहीं, चाकू साफ बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएंगे। तो पहले इनको चढ़ा देते हैं हम, तो थोड़ा टैप कर लें इसको, जो इनमें बबल्स नहीं रहेंगे बिल्कुल भी। और अब इनको मैंने चढ़ा दिए हैं, और ये 15 या 20 मिनट के अंदर हो जाएंगे। ना होए मान लो आपकी चाकू में थोड़ा सा लग के आए, तो आप दोबारा भी इसको चढ़ा सकते हैं। जब तक ये पूरे नहीं बने तब तक इन्हें तो बचे हुए चावल से हम ये रेसिपी बना रहे हैं। ये आप इसे चाहे ढोकला समझिए, चाहे कोई दूसरी नई रेसिपी समझिए, और जब ये बन जाएगी 10-15 मिनट में चाकू डाल के देख लेंगे, और अगर चाकू साफ आएगा तो ये तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसे कट करके और फिर घी या तेल में छौंक देंगे। तो हमें बस जो बचा हुआ भोजन है उसको काम लेना है। मेरा एम यही रहता है कि जो भी बचा हुआ खाना फ्रिज में रखा होता है तो सुबह का शाम खराब नहीं होता है, तो उसको काम ले लें, सुबह वाले खाने को काम ले लें, तो आपके खाना फेंकेगा भी नहीं और एक नई रेसिपी बन जाएगी। तो हमेशा ये करें कि कोई भी आपके खाना बच गया है, कोई सब्जी बच गई है तो उसके पराठे बना लें, कोई दाल बच गई है तो उसकी कचौड़ी बन सकती है। तो कई चीजें हम अपना दिमाग लगा के बना सकते हैं। तो अभी देखिए आगे रेसिपी, अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अभी ये बनने के बाद मैं इनको फ्राई करूंगी, तो किसी भी चटनी के साथ, सॉस के साथ आप इनको खा सकते हैं। हमारे चावल भी फेंकने से बच गए और हमारी एक नई रेसिपी बन जाएगी। तो होती है अभी बनती है रेसिपी। तो चाकू डाल के मैंने देख लिया करीबन ये हो गई है, फिर भी मैं थोड़ी देर और इसको चढ़ा लूँगी। और अब मैंने एक प्लेट में इनको उल्टे कर दिया है, तो ये आराम से निकल जाएंगे। ठंडा होने के बाद ही इसे निकालें, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो मेरे काफ़ी नरम बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा नरम बने हैं, फिर भी मैं इनको फ्राई करूँगी। तो ये
बहुत अच्छे लगे खाने में। जब हमने इन्हें खाया तो बहुत अच्छे लगे। तो ये देखिए इतने नरम बने हैं, बहुत ही स्मूथ बने हैं, बहुत नरम बने हैं। और ये ज़रूर बना के देखिएगा, क्योंकि वैसे भी चावल के आटे के बनते हैं ढोकले, तो ये चावल के हैं, तो ये और भी स्वादिष्ट हैं क्योंकि इसमें खूब अच्छे मसाले हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। तेल डाल दिया मैंने कढ़ाई में और जीरा राई हींग से मैं इनको छौंक दूँगी। पहले मैं इसमें टमाटर वगैरह डालूँगी, तो टमाटर की आप ग्रेवी बना के भी डाल सकती हैं, यूँ भी डाल सकती हैं। तो मैंने कट करके डाले हैं, हरी मिर्च और टमाटर डाले हैं। अदरक वगैरह का स्वाद इसमें था ही, इसलिए मैंने नहीं डाला। तो हल्दी डाल दी है, साबुत धनिया डाल दिया, दरदरा पीसती हूँ मैं, नमक डाल दिया है और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें अमचूर डाल देंगे। तो पूरा ये सब जो मसाला है वो मिक्स कर दें, ये पूरा भुन जाएगा मसाला, तो ये बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें हम ये हमारे ढोकले डाल देंगे। आप चाहे ढोकले कहें चाहे इसको नई रेसिपी कहें, तो इनको डाल के हम फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से बिल्कुल। और आप इसको दही के साथ भी खा सकते हैं, हमने तो दही के साथ खाए थे। आप किसी भी सॉस चटनी के साथ खा सकते हैं। तो इनको पूरे मिक्स कर लें, पूरा मसाला इनमें मिक्स हो जाए। तो इन्हें मिक्स कर लें पूरा अच्छी तरह से और फिर खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें सारे ही मसाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छे बने हैं और खाने में बहुत स्वादिष्ट बने हैं। तो आपने देखी रेसिपी अभी बचे हुए चावल की, और कुछ ढोकले कहेंगे हम इनको, इनको हम तल लेंगे, फ्राई कर लेंगे। खाली फ्राई करके भी आप चाट मसाला या और मसाला सब डाल के इनको खा सकते हैं। तो गरम तेल में इनको फ्राई कर लें थोड़ी सी, पहले इसको तेज गरम कर लें, फिर थोड़ा सा धीमी आंच में इनको तलें, तो ये खूब गुलाबी हो जाएंगे। काफ़ी देर मैंने इनको तले तो ये एकदम गुलाबी हो गए और खाने में बहुत ही अच्छे लगे, एकदम कुरकुरे क्रंची हो गए ये। और इसमें मैंने एक मसाला डाला बना के, तो वो भी दिखाती हूँ मैं आपको आगे। तो पहले इनको हम गुलाबी कर लेंगे, बिल्कुल तल लेंगे गुलाबी सा, और ये बहुत क्रंची हो जाते हैं गुलाबी तलने से। तो उलट पलट के दो तीन बार और फिर इनको अच्छे से तल लें आप, और उसके बाद इसमें मसाला डालें। ये देखिए गुलाबी हो रहे हैं और ये देखिए कितने क्रंची हो गए ये। अब मैं एक मसाला बना रही हूँ जिसमें मैं भुना जीरे का पाउडर है, मिर्ची है, नमक है, काला नमक हो तो वो डाल लें, अमचूर डाल लें, और सारे मसाले को मिक्स करके और फिर इसमें डाल के खाएँ। तो ये बहुत अच्छे लगे, बहुत ही बढ़िया। दही से खाए थे हमने, इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। तो जो दोनों ही तरह की मैंने आपको ये ढोकले दिखाए बना के, वो दोनों ही बहुत स्वादिष्ट बने थे। और आप ज़रूर बना के देखिएगा, चाहे तो आपके पास नमकीन चावल बचे हों, चाहे आपके पास प्लेन चावल बचे हों, आप दोनों चावल के ऐसी रेसिपी बना सकती हैं। तो ये देखिए दही से इतने अच्छे लगे ये खाने में, ये पूरे ही ख़त्म हो गए। तो ये खाली फ्राई करके भी अच्छे लगेंगे, ज़रूर नहीं है कि टमाटर वगैरह में फ्राई करें, आप तेल में भी फ्राई करके इनको खा सकते हैं। काफ़ी कुरकुरे बने हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ये बताइए।